दोस्तों आप सभी के याद ही होगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सुषमा स्वराज जी की तरफ से बयान देते हुए कहा गया था कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। सुषमा स्वराज जी की तरफ से ये बयान पुलवामा हमले के बाद दिया गया था, जिसमें सुषमा स्वराज जी ये कहना चाहती थी कि जिनमें खुद में कमी होती है वो दूसरों में कमी नहीं निकालते हैं। और आज ये कहावत चाइना पर पूरी तरीके से फिट बैठ रही है। भारत की तरफ से अब से एक हफ्ते पहले ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया गया था और अब से तीन दिन पहले ही भारत ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का भी परीक्षण किया है, जो कि पूरी तरीके से सफल रहा था। ये डिफेंस सिस्टम भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से हम LAC पर चाइना के किसी भी ड्रोन हेलीकॉप्टर को काफी आराम से निशाना बना सकते हैं। इस टेस्ट को देखते हुए चाइना के विदेश मंत्री क्विन गैंग ने बयान देते हुए कहा था कि भारत जानबूझकर ऐसी मिसाइलों के परीक्षण कर रहा है जिससे दोनों देश के बीच रिश्ते और ज्यादा खराब होंगे। इस समय भारत को मिसाइल परीक्षण से ज्यादा LAC के मुद्दे पर चाइना से बातचीत करनी चाहिए। चाइना के नए विदेश मंत्री क्विन गैंग वही शख्स हैं जिसने कभी अग्नि 5 मिसाइल पर भारत को बहुत भली बुरी सुनाई थी और भारत के अग्नि 5 मिसाइल का मजाक भी उड़ाया था। DRDO ने जब अग्नि 5 मिसाइल की रेंज रिवील नहीं की थी, उस समय क्विन गैंग ने बयान देते हुए कहा था कि भारत बेकार में अग्नि सीरीज की मिसाइलों पर पैसा वेस्ट कर रहा है। ये मिसाइल चाइना का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी और भारत को अपनी गरीबी पर ध्यान देना चाहिए। अग्नि मिसाइल के दम पर भारत कभी भी चाइना को काउंटर नहीं कर पाएगा। और क्वीन गैंग वही इंसान है जिसने अग्नि 5 मिसाइल की 7000 किलोमीटर रेंज सुनते ही UN में भारत की अग्नि 5 मिसाइल की शिकायत की थी, लेकिन फिर भी भारत ने बिंदास तरीके से अपनी अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया था। लेकिन जो चाइना भारत को ज्ञान दे रहा था, आज उसी चाइना ने अपनी DF-4 मिसाइल का परीक्षण किया है, जो कि बुरी तरीके से फेल हुआ है। चाइना की DF-4 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर से 7000 किलोमीटर है। इस मिसाइल को चाइना ने 1976 में बनाकर अपनी सेना में शामिल किया था और अब चाइना भारत की अग्नि प्राइम की तरह ही अपनी मिसाइलों में कुछ चेंजेस कर उनके फिर से परीक्षण करने में लगा हुआ है। और जिस दौरान चाइना ने अपनी DF-4 मिसाइल का परीक्षण किया है, उस समय ये मिसाइल अपने टारगेट से काफी दूर जाकर गिरी है। इस परीक्षण के दौरान चाइना ने अपनी DF-4 मिसाइल में नए शिखर लगाए थे और नेविगेशन सिस्टम भी इस मिसाइल का बदला गया था, ताकि ये मिसाइल अपने टारगेट को खुद ही ढूंढकर टारगेट को तबाह कर सके। और चाइना का ये टेस्ट आज बुरी तरीके से फेल हो चुका है। वैसे आज चाइना को ये बात सोचनी चाहिए कि खिलौने बनाने में और मिसाइल बनाने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। और अब आप सोचकर देखिए कि भारत की तरफ से जिस दिन अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा, उस समय चाइना का क्या होगा। आपके लिए आज का सवाल, भारत की अग्नि 6 मिसाइल की रेंज कितनी होनी चाहिए, इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।